जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रविवार को एनेक्सी भवन के सभागार में लोक निर्माण व NHAI के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि यह मासिक बैठक PWD सेतु निगम NHAI के अधिकारियों के साथ की गई है तथा बैठक में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा, जिले में सुंदरीकरण होने वाली सड़कों के बीच चर्चा की गई है तथा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बरसात से पहले सभी सड़कों के कार्य को पूरा करना है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद एवं CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, भी बहुत जल्दी से जल्दी मिला देंगे, आपकी कोई भी समस्या आएगी तुरंत। इसके अलावा कोई कन्वर्जन चाहते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आप गए गांव में, जैसे मान लो किसी भी देखा कि जमीन पूरी आपकी सिंचित हो सकती है, हम लोग को जैसे आमी नदी है, आमी नदी पे सोचना चाहिए, क्यों ना उसकी अभी तक फ्लैट है मेरे हिसाब से, अगर उसका एक प्रॉपर खुदाई कर दी जाए, बड़ा प्रोजेक्ट लेके चौथी प्रोजेक्ट को मर्ज करके, तो हो सकता है कि बाढ़ से जो इम्पैक्ट आता है हर साल उसको कम कर, ये जरूर आप लोग फील्ड में देखिए। उस फील्ड में आपको कुछ भी ऐसा दिखता है जिसमें आपको लगता है कि CDO ऑफिस की मदद ली जा सकती है, ओपनली आपको बिजली विभाग मेरा बहुत सहयोग कर रहा है। हमारे 6 TH प्लांट लग रहे हैं, एक होम राशि एक एक प्लांट में 70-70 लाख की इन्वेस्टमेंट है। बिजली विभाग में 3 जगह कनेक्शन ले लिया, सोमगति से मैं बात करूंगा, बाकी 3 हम उसके बाकी भी करवा है। जो डेट है उससे पहले ही अचीव कर रहा है, इस चीज पे आप सब लोग ध्यान दें। और एक सिटी मोबिलिटी प्लान बन रहा है जिसमें PWD का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमने आपका भी और प्रणीत जी का भी, वो दोनों को आपका जो सिटी डेवलपमेंट प्लान है जिसमें ट्रैफिक को लेकर टारगेट किया गया कि ट्रैफिक को हमें ठीक करना है, उसमें रोड डेवलपमेंट जंक्शन डेवलपमेंट को भी करने के लिए, वो उसमें साइनेजेस से लेकर हर चीज़ का ट्रैक किया जाएगा, रीडिजाइन किए जाएंगे जंक्शन, रोड्स को रीडिजाइन किया जाएगा, स्मार्ट रोड्स बनाई जाएगी, कैमरे पहले लग चुके हैं, कैमरे से ई चलानी स्टार्ट होगी ताकि बिहेवियर चेंज आ सके, पार्किंग की प्लेसेस आइडेंटिफाई की गई है, तो उनको रेगुलर करना चालू करना, वो सब हम सबका फर्ज है। कोई भी इनको इन सब चीज़ों में हो, आप डायरेक्ट फोन करके व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, सर इस पर ऐसे कर दीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर, दोनों स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट कल शुरू करें। ओके सर, ने उसमें देख सकते आपको सर, कल जाए पूरी टीम के साथ ये जाएंगे और कल वो प्रोजेक्ट पूरा भेजेंगे, क्या निकासी हो जाएगी, क्या निकासी पूरा उसको ये पिछले बार कार्य मंगाया लाए हैं दे रहा हूँ सर, कि जो बन गई है जिसको अभी मेंटेनेंस करने में ठेकेदार हिलावाली कर रहा है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर, वो उनकी लिस्ट चाहिए। दूसरा, जो अभी निर्माणाधीन है उसका पर चार्ट के अनुसार समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना है, उसकी प्रगति मेरी बेटी। तीसरा, जो नई परियोजना हमें लेनी है शासन में भेजी गई है अथवा भेजना बाकी है किसी न किसी योजना में, चाहे वो स्टेट सेक्टर में लेना है, आपको नाबार्ड में भी तो उसे लेना है, चाहे वो आपको त्वरित विकास योजना में लेना है या मुझे किसी योजना में उसको लेना है या मुझे पैरवी करना है या करना है, हमारा विजन होना चाहिए कि इस इन 5 साल ये जे तक का विजन इसको पता समझना चाहिए कि जितने भी हमारे मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो मिनिमम 4 लेन और कुछ तो 6 लेन हो रही हैं, तो वो अच्छी गुणवत्ता की रहें। दूसरा, जितने भी हमारे कस्बों को जोड़ रहे हैं वो सब 5.5 मीटर मिनिमम रहे, प्रिफरेबली 7 मीटर वो रहना चाहिए, विद पटरी युक्त साइनेजेस युक्त, और सारे रोड फर्नीचर और फैसिलिटीज के साथ उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें अच्छे अवस्थापनाओं के साथ हमें करना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा काम कि एक भी बिंदु इसमें चूक ना रहे।
इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। फोर्स नहीं मिल पाई इसलिए नहीं कर पाई, 2-3 दिन बाद उसको शिफ्ट करा देंगे। ये जो आज बैठक डीएम सर द्वारा ली गई है, इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए सारी कार्यदायी संस्था को बुलाया गया था और इसमें विकास भवन के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन के इशू है उसको भी रेज किया गया है। पहला जो मनरेगा में कार्यदायी संस्था द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो योजनाएं दी गई है उसको लेके अगले एक हफ्ते में सबको अपनी योजनाएं देनी है, जिसमें जल निकासी, नाली निर्माण और सड़क की पट्टी, वृक्षारोपण को जो चार एसेट्स है इसके ऊपर डीएम सर द्वारा विशेष बल दिया गया है और इसको लेके टाइमिंगली करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। पहले अपनी कार्य योजना सबमिट करेंगे और उसके बाद 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक में मनरेगा में इसमें काम शुरू होगा। और जो बाकी योजनाएँ कार्यदायी संस्था द्वारा अलग अलग प्रोजेक्टों में की गई बनाए जा रहे हैं उसमें बेहतर समय में बनाने के लिए डीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया। आज हमारी मासिक बैठक होती है जहां पे पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, एनएचआई सभी के साथ सभी रोड नेटवर्क के संबंध में उसके निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति और उसकी समीक्षा की जाती है। इसी बैठक में जितने नई सड़कें एग्जिस्टिंग सड़कों का सुदृढ़ीकरण होना है उसके भी कार्ययोजना के बारे में चर्चा होती है। सभी जेई से लेकर सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। हमारे राजस्व टीम और विद्युत की टीम जिनके साथ समन्वय स्थापित करना है सड़क निर्माण में उसको भी उपस्थित रहे। अच्छे माहौल में आज बैठक हुई है और सभी समस्याओं को सूचीबद्ध किया है और निर्देशित भी किया है कि बरसात के पहले सभी सड़कों का काम पूरा करना है और कोई उसमें शिथिलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।